तन्हा कौन है? अल्लाह अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह अल्लाह। उसकी सारी शान है? अल्लाह अल्लाह। सब दिलों की जान है? अल्लाह अल्लाह। ओ और उसके बाद ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी जो है समाज सुना करते, सिमा के शौकीन थे। उनके ऊपर भी जो है उस दौर के उलमा ने जो है बादशाह वक्त के खलीफा वक्त के कान भर दिए और उन्हें बुलवाया गया कि आप साबित करें ये महफिल सिमा कहाँ पर है, जायज़ है या ना जायज़ है। हजरत को मजबूरन जाना पड़ा खलीफा वक्त के दरबार में, और जाने के बाद ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रईस के दरबार में जाते हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से हट जाता है, आपको बिठाता है और जाकर उलमा के पास बैठ जाता है। 40 जय्यद उलमा उस दौर के अकाबिर उलमा जो इल्म व फन में अपना सानी नहीं रखते थे, वो तमाम के तमाम हजरत ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाबले में आए। जब ख्वाजा उस्मान हरवानी गए दरबार में, पूरे उलमा बैठे हुए हैं और बहस शुरू हुई, हजरत ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नज़र डाली तमाम उलमा के ऊपर। उन तमाम उलमा का जितना कसबी इल्म था, जितना हासिल किया था, वो सब महू हो गया, यहाँ तक कि हरूफ तहजी भी याद ना रहे। बादशाह उलमा के पास बड़ा कह रहा था, पूछो पूछो उस्मान हरवानी से, सिमा के बारे में बहस करो। उन लोगों ने कहा कि हम क्या बहस करेंगे, हमारा तो इल्म भी नहीं रहा, हमारे सीने सफ़ेद कोरे कागज़ की तरह हो गए, कोई चीज़ हमारे दिलों के अंदर बाकी नहीं रहा, हमारा इल्म जो है बाकी नहीं रहा, सब हो गया, सब खत्म हो गया, सब जाकर गिर पड़े आपके सामने खत्मों पर और कहा कि हुजूर माफ़ कर दें, ये हाकिम वक्त सहरवर्दिया सिलसिले का है और ये समा को नाजायज समझता है और ये कहता है कि जुन्नद बगदादी ने समा से जो है किनारा कशी अख्तियार की, अब किसी को हक नहीं कि समा सुनना है, ये समा का अहतमाम करे, लिहाजा इसकी शिद्दत की वजह से हमने आपको बुलाया। आपने फरमाया कि नादानों, हमारे पीरों ने सुना है, रसूलल्लाह से हमारे मशाइख से सुनते आ रहे हैं, सिलसिला ब सिलसिला चला आ रहा है और हम अपने बुजुर्गों की इत्तबा में सुनते हैं और हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इसका अहतमाम करते हैं, क्या और कोई हुज्जत देखनी है चिश्तियों की तो मैं अभी हुज्जत कायम कर दूंगा चिश्तियों की। कहना था, पूरे हाथ जुड़कर खड़े हो गए, कहा कि हुजूर इससे बढ़कर हुज्जत क्या होगी, क्या आपने तो हमारा इल्म सल्ब कर लिया, हमारे सीने खाली कर दिए, सालों साल की मेहनत हमारी है आपने खत्म कर दी, आप हमें माफ कर दें और हमें बख्श दें और हमारा इल्म हमें लौटा दें। कहते ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निगाह डाली तो फिर दोबारा पूरा इल्म वापस लौट कर आ गया। इख्तबासुल अनवार में, इमरतुल असरार में, सीरतुल अख्ताब में जो है ये तमाम वाकिया तफसीली तौर पर लिखे हुए, मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ।